लेखा शास्त्र की क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है। कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्र में आप पढ़ रहे हैं एकांकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण। तो जो एकांकी व्यापार है उनके अंतिम खातों का निर्माण कैसे करना है, इस विषय में पढ़ेंगे। तो कुछ इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, अब आपको बताना इसके कुछ छोटे छोटे एक नंबर के प्रश्न है। आप देखोगे प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण लिखिए, तो आपको कुछ सही विकल्प है ये प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण लिखिए। तो प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण क्या होगा, इसमें है आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है किराया, वेतन, चुंगी या डूबर है। तो जो प्रत्यक्ष व्यय है उसका उदाहरण है, जो दिखाई देने वाला व्यय है वह है चुंगी। तो इसको आप उदाहरण लिखिए। तो अप्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण उसमें हो गया वेतन हो गई, मजदूरी हो गई, ईंधन हो गई और आपका डी वाला ऑप्शन है आगत वाहन लाभ। तो जो अप्रत्यक्ष जो जितने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं देते उसका आपको उदाहरण लिखना है, वह है वेतन। तो इसमें अप्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण हो गया वेतन, इसका आंसर होगा वेतन। फिर अनुपार्जित आय का संबंध होता है, जो अनुपार्जित आय है उसका संबंध चालू वर्ष से होता है, गत वर्ष से होता है, आगामी वर्ष से होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुपार्जित आय है उसका संबंध कैसे होगा आपका, आगामी वर्ष से होगा। फिर सकल लाभ हानि की जानकारी प्राप्त होती, सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी प्राप्त होती है किस खाते से होती है, व्यापार खाते से होती है, लाभ हानि खाते से होती है, तलपट से होती है, चिट्ठे से होती है। तो आपको बताना है कि जो लाभ हानि या सकल लाभ और सकल जो हानि है उसकी जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी, तो आपको लाभ हानि कैसे प्राप्त होती है, व्यापार से। तो जो लाभ हानि आपको व्यापार, कौन सा ऑप्शन सही है, व्यापार खाते से आपको लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार आपको पांचवा है ये 1500 रुपए का माल अग्नि में नष्ट हुआ, मतलब आपके पास जो 1500 रुपए का माल था वो आग से नष्ट हो गया, तो बीमा कंपनी ने 500 रुपए दावे की स्वीकृति दी, व्यापार खाते में यह कहां प्रकट किया जाएगा। तो इसको में इसको जो व्यापार खाता है उसमें प्रकट किया जाएगा, क्या प्रकट किया जाएगा, तो 1500 रुपए प्रकट होगा, 500 रुपए प्रकट होगा, 1000 रुपए प्रकट होगा या आपको 2000 रुपए प्रकट होगा। तो आपके 1500 रुपए का माल, तो आपको क्या हुई, हानि हुई, आपका माल क्या हो गया, नष्ट हो गया, कितने का था, 1500 रुपए। तो व्यापार खाते में आपको इसको पूरा जो अमाउंट है 1500 रुपए में आपको प्रकट किया जाएगा, तो आपका लाभ हानि खाता है। ये आपके एक नंबर के छोटे छोटे प्रश्न हैं। इसी प्रकार आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, से रिक्त स्थानों की पूर्ति, चिट्ठे में दायित्व पक्ष का योग, मतलब जो चिट्ठा है उसका दायित्व पक्ष का योग कितना है, 50,000 है। तो संपत्ति में संपत्ति पक्ष का योग कितना होगा, क्योंकि अगर दायित्व में 50,000 है तो संपत्ति कितना होगा, ये 50,000 होगा। ठीक है, चिट्ठे में पूंजी को खाली स्थान में लिखा जाता है, चिट्ठे में चिट्ठा बनाते हैं आप, उसको पूंजी को किस तरफ मतलब किस साइड लिखते हैं, तो जो चिट्ठा है उसको पूंजी बनाते हैं, तो पूंजी को अपन कहां लिखेंगे, दायित्व के साइड लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे दायित्व के साइड, इसको लिखेंगे। उपार्जित आय को लाभ हानि खाते में किस पक्ष में लिखा जाता है, जो आपकी उपार्जित आय है उसको लाभ हानि के किस पक्ष में लिखेंगे,
पर ब्याज व्यवसाय के लिए क्या है, जो आहरण है उस पर जो आपको ब्याज मिला वह व्यवसाय के लिए क्या होगी, वह व्यवसाय के लिए होगी आय। क्या होगी? आय। फिर है व्यवसाय खाते में क्रय वापसी को खाली स्थान में से घटाया जाता है। जो व्यापार खाते होते हैं उसको क्रय वापसी को कैसे हटाते हैं, घटाएंगे अपन, क्रय में से घटाएंगे। तो क्रय में आपको वापसी प्राप्त हुई तो उसको क्या करेंगे, क्रय में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये आपके हो गए 21 स्थानों में पूर्ति करो कि एक एक नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से आप उनको याद करो। उसके बाद है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, आपको दो कॉलम दिए हुए हैं। तो पहला है अदत व्यय। जो अदत व्यय होते हैं वह क्या होते हैं, दायित्व होते हैं। क्या होते हैं? अदत व्यय क्या होते हैं? दायित्व। तो इसका सही जोड़ी में आंसर होगा। फिर है अर्जित आय। अर्जित आय क्या है? आपकी संपत्ति। क्या है? अर्जित आय। आपको जो आय प्राप्त हो रही है वह क्या होगी? आपकी संपत्ति। इसका दूसरा। फिर है सकल लाभ। क्या है सकल लाभ? आपको कहां पर मिलता है सकल लाभ? व्यापार खाता। आपकी थर्ड नंबर पे आपका लिंक हो गया। और फोर्थ नंबर पे हो गया आपका कि शुद्ध लाभ क्या होता है, शुद्ध लाभ। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। फिर है सत्य असत्य बताइए। स्थाई संपत्ति में हास को, जो स्थाई संपत्ति है उससे क्या हास को घटा सकते हैं? हाँ, जो स्थाई संपत्ति होती है उससे हास को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये आपसे आपका क्या हो गया, सर। फिर है लाभ हानि खाता। सकल लाभ को प्रकट करता है। तो लाभ हानि खाता है वह आपके सकल लाभ को नहीं। व्यापारिक खाता में आपको लाभ हानि को क्या करते हैं, सकल लाभ हानि को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। व्यापार खाता शुद्ध लाभ प्रकट करता है। तो जो आपका जो शुद्ध लाभ है वह व्यापार नहीं, ये भी आपका क्या होगा, असल। फिर है चिट्ठा उपक्रम की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। चिट्ठा है वह आपकी वित्तीय स्थिति को क्या करता है, जो आपका जो वित्तीय स्थिति है उसको क्या करता है, प्रकट करता है। वो क्या है? चिट्ठा। तो इसका आंसर होगा सत्य। फिर है पूंजी पर ब्याज व्यवसाय के लिए लाभ है। हाँ, किसी भी पूंजी के लिए जो व्यवसाय होता है, मतलब जो पूंजी है ब्याज है, व्यवसाय के लिए क्या है, लाभ है। आपके सत्य सत्य हो गए। इसके बाद आप देखोगे आपको एक छोटा सा प्रश्न है, क्रियात्मक प्रश्न दिया है। निम्नलिखित सूचनाओं को, तो जो निम्नलिखित सूचनाएं दी हैं उसमें 31 दिसंबर 2009 में लाभ हानि खाता बनाइए। मतलब आपको समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 2009 के लिए आपको लाभ हानि खाता बनाना है। उसमें सकल लाभ कितना है, 9000 रुपए है, और सामान्य व्यय 840 रुपए है, और बिजली का जो व्यय है वह 400 रुपए है। ये सब आपको हल करना है। तो आपको लाभ हानि खाता बनाना है हुआ है, आपको इसको हल करना है। तो आपका जो हल है वो जो सामान्य व्यय है वह कहाँ जाएगा? तो सामान्य व्यय में आप क्या लिखोगे, आपको जो प्रश्न दिया है उसमें दिया है कि सकल लाभ 9000 रुपए और सामान्य व्यय चार्ज। सामान्य लाभ आपको क्या दिया, सामान्य व्यय आपको कितना है, 840 रुपए। तो आपका जो सामान्य व्यय है ये वहां पर आएगा 840 रुपए। ये आपका क्या है, सामान्य। तो उससे पूर्वदत्त व्यय क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे, हो जाएगा 40। फिर बिजली का है, तो ये आपको समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको बनाना है। डेबिट और क्रेडिट साइड पे विवरण में आपको पूरा लिखना है कि कौन कौन सी मत आपकी यहाँ पर डेबिट साइड आएगी और कौन कौन सी मत आपकी क्रेडिट साइड। तो ये आपको एक छोटा सा प्रोफार्मर है, आपको ये वाला सम। तो
बाद आपका ये क्या हो गया, ये आप 40 रुपए से घटा देंगे तो आपका यहाँ पर जो रकम आ जाएगी वो 800 रुपए रकम हो जाएगी। फिर बिजली के व्यय में आपने क्या किया, जो बिजली का व्यय है वो कितना है 400 रुपए, तो आप उसको बिजली का बिल भी आप क्या हो गए 400 रुपए आपका क्या हो गया बिजली का बिल हो गया। फिर आपका किराया, आपने जो किराया दिया वो कितना कितना किराया है, किराया है आपका 1700 रुपए, तो आपका जो किराया है 1700 रुपए उसमें आप क्या जोड़ दोगे अदद, मतलब जो पहले से अदद व्यय है उसको आप जोड़ोगे वो कितना है आपका जो अदद है वो 300 रुपए है, तो आप उसको जोड़ दोगे तो यहाँ पर 300 रुपए आपको जोड़ने हैं, प्लस कर देंगे आप। फिर उसमें आपको कटौती, तो आपने जब 1700 में 300 रुपए आपके हो गए 2000, फिर उसके बाद कटौती, कटौती कितनी है आपकी जो आपको दी है 400 रुपए कटौती है, कटौती प्राप्त हुई आपकी 400 रुपए यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद है आपका वेतन, तो आपको कितना वेतन मिल रहा है, वेतन मिल रहा है आपको 700 रुपए, तो वेतन मिल रहा है कितना है 700 रुपए। ये आपका समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्या बना रहे हो आप, लाभ हानि खाता बना रहे। फिर आपने व्यापार में क्या व्यय किया, तो जो व्यापार में व्यय किया वो भी डेबिट साइड आएगा आपका, तो व्यापार में आपने व्यय किया वह कितना है, व्यापारिक व्यय है आपका 400 रुपए, तो वो व्यापारिक व्यय आपके यहाँ पर आ जाएगा 400 रुपए। फिर है आपका गाड़ी भाड़ा व्यय, जो आपका जितने भी व्यय है वो डेबिट साइड आएंगे और जितने भी लाभ है वो आपके क्रेडिट साइड आएंगे, तो जो आपका गाड़ी भाड़ा व्यय है वह कितना है 100 रुपए। और पूंजी पर ब्याज, आपको जो पूंजी पर ब्याज भी प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हुआ, वह भी आपका पूंजी पर ब्याज प्राप्त हुआ 800 रुपए, तो मैं आपका ब्याज भी आपका डेबिट साइड आ जाएगा। फिर है शुद्ध लाभ हानि खाते का हस्तांतरण, तो 7400 रुपए आपका क्या है, ये शुद्ध लाभ है। फिर आपका सकल लाभ क्या है, सकल लाभ आपको दिया है वह 9000 कमीशन भी प्राप्त हुआ, तो कमीशन कितना प्राप्त हुआ आपको 1000 रुपए, तो आपका ये 1000 रुपए क्या हो गया कमीशन हो गया। फिर आपको आहरण पर ब्याज भी प्राप्त, ये सब काय किस साइड आएंगे, आहरण पर ब्याज प्राप्त हुआ 1200 आप टोटल लगाएंगे तो आपको इसका टोटल प्राप्त होगा 1300 रुपए। इसमें सकल लाभ का हस्तांतरण है आपका 7400 रुपए। टोटल लगाएंगे फिर यहाँ पर 13000 आपका तो 13000 में से आप ये वाले पूरा अमाउंट कटाएंगे तो आपको 7400 क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। उसी के बाद आपको एक और प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित विवरण के आधार पर चिट्ठा बनाएंगे, ये आप खुद स्वयं बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।